नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लनटॉप शो। क्या है आज की बड़ी खबर? शिव जी के लेटेस्ट भक्त राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा और यात्रा के रास्ते पर भाजपा के उठाए गए बवाल। मतलब राम जी वाली पार्टी राहुल से कह रही है काम तो ठीक है, रास्ता गलत चुना है। उधर कश्मीर में आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन का बेटा गिरफ्तार हुआ तो आतंकवादियों ने, जो खुद को आजादी का कथित रक्षक बताते हैं, 10 पुलिस वालों के घर वालों को किडनैप कर लिया। ये कौन सी आजादी है जो घर में घुसकर हासिल की जाती है? जम्मू कश्मीर की एक और खबर है, वहां 35A की सुनवाई के कारण घाटी बंद थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 35A पर सुनवाई ही बंद कर दी। अगली सुनवाई जनवरी 2019 में होगी। एक खबर यह भी है कि एयरसेल मैक्सिस डील में पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम से ईडी ने घंटों पूछताछ की। वित्त मंत्रियों की बड़ी मुसीबत है, अभी वाले नोटबंदी पर जवाब देते देते परेशान हैं, पुराने वाले अपने जमाने की डील पर जवाब दे रहे हैं। मुसीबत पुलिस और वामपंथी कार्यकर्ताओं की भी है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और अपने अपने पक्ष को कोर्ट में और कोर्ट के बाहर भी सही बता रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर तो वो है जिसको कांग्रेस चाहती है कि बड़ी खबर बनाया जाए और बीजेपी चाहती है कि ना बनाया जाए, और इस बयानबाजी में वो लोगों के बीच की खबर बन गई है। क्या रफाल बीजेपी का बोफोर्स है? भारत में रक्षा सौदे अपशकुन की तरह रहे हैं। राजीव गांधी ने भारत के इतिहास में सबसे मजबूत सरकार चलाई, अगर हम बहुमत की बात करें तो। लेकिन उन्होंने एक तोप खरीदी और सब बर्बाद हो गया। उस तोप का नाम था बोफोर्स। जॉर्ज फर्नांडिस ने एनडीए सरकार में करगिल के शहीदों के लिए ताबूत खरीदे, इस्तीफा देना पड़ा। अब प्रधानमंत्री मोदी दशकों में सबसे मजबूत सरकार चला रहे हैं और उन्होंने भी एक फाइटर जेट खरीदा है, रफाल। और राहुल गांधी को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगता है कि रफाल बीजेपी का बोफोर्स साबित होगा। किसको क्या लगता है, ये बयान सुन लीजिए एक एक करके। मैंने राष्ट्रपति जी से 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा के पूछते हैं, सब साफ हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा राफेल में क्या हुआ। मुझे कोई इतराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कोई इतराज नहीं है। Obviously, you have competitors and we can't let them know details of the deal. This is what the French president has said to an Indian. He is saying that the president of France told him that Rafale price does not come in secrecy clause. उसी दिन फ्रांस की सरकार ने इसको ऑफिशियली इसको कंडक्ट किया था। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। ये तो आपने सुने बयान, अब हमारी सुनिए। अरुण जेटली कह रहे हैं कि सब देख परख कर जेट खरीदा है और साथ में देश के पैसे भी बचाए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सब ठीक किया है तो जेपीसी जांच क्यों नहीं करा लेते। उन्होंने जेटली के बयान के बाद ट्विटर पर काउंटर तक चलाया, वो अब खुलकर अनिल अंबानी का नाम भी ले रहे हैं। वैसे ही जैसे वीपी सिंह अपनी सभाओं में जोर देकर कहते थे कि मेरी जेब में एक पर्ची है जिसमें उस खाते का नंबर लिखा है जिसमें राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाले से कमाए पैसे रखे हैं। फिर आज ही के अखबार में यह खबर भी छपी है कि रिलायंस एंटरटेनमेंट, अनिल अंबानी की कंपनी, उसने फ्रांस में एक फिल्म बनाने का करार किया था जिसकी प्रोड्यूसर थी फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की साथी जूली गायत। तो बड़ी खबर में आज हम यही टटोलेंगे कि क्या रफाल की तुक बोफोर्स से मिलाई जा सकती है, और साथ ही ये भी कि जैसे बोफोर्स से राजीव की सरकार दग गई, वैसे क्या रफाल मोदी सरकार को क्रैश करा सकता है। बोफोर्स, आपने तोपखाने का नाम जरूर सुना होगा, आर्टलरी भी कहते हैं इसको, फौज का वो हिस्सा जिसमें बड़ी बड़ी तोपें होती हैं। मार्च 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने 400 हॉविट्जर तोपें खरीदने का ठेका दिया स्वीडन की बोफोर्स कंपनी को। सौदे की रकम थी 1,437 करोड़ रुपए। फिर दूसरी बात की, इसमें घोटाले की बात कहां से आई? अप्रैल 1987 में स्वीडन के एक रेडियो पर एक खबर चली कि बोफोर्स कंपनी ने ठेका जीतने के लिए भारत के नेताओं और अफसरों को घूस दी है। पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने घोटाले से संबंधित तकरीबन 300 दस्तावेज जुटाए
और द हिंदू अखबार में एक के बाद एक रिपोर्ट छपने लगी जिनमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार का नाम आया। द हिंदू ने बाद में रिपोर्ट छापना बंद कर दिया तो दूसरे अखबारों ने छापना शुरू किया। ये वो समय था जब घोटाला सामने आने से कुछ ही महीने पहले वीपी सिंह ने भी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए इस्तीफा दिया था, तो ऐसे में शक की सुई और घूम रही थी क्योंकि वीपी सिंह का मंत्रालय भी बदला गया था। तीसरा बिंदु कि जब ये सब सामने आया तो राजीव गांधी की सरकार ने किया क्या? राजीव सरकार ने बोफोर्स को ब्लैकलिस्ट तो किया लेकिन सरकार नहीं बचा पाए। उनके ही रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला जनमोर्चा के नाम से, बाद में जनता दल बना, राजीव चुनाव हारे, वीपी सिंह की जनता दल सरकार ने जनवरी 1990 में यानी कि शपथ ग्रहण के एक महीने बाद बोफोर्स घोटाले में सीबीआई जांच का हुक्म दिया। नाम आया इसमें बोफोर्स के प्रेसिडेंट मार्टिन आर्बो का, बिचौलिए यानी कि दलाल विन चड्ढा का, ओतावियो क्वात्रोक्की का और अशोक लीलैंड वाले हिंदुजा ब्रदर्स का। इल्जाम लगे कि इन्होंने कई नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर 1982 जब इंदिरा की सरकार थी तब से लेकर 1987 जब राजीव की सरकार थी इसके बीच पैसों का हेरफेर किया। सबसे ज्यादा हल्ला मचा क्वात्रोक्की के नाम पर क्योंकि वो इटली से था। अगला पॉइंट कि इस सब मामले में कोर्ट का फैसला क्या रहा। 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बोफोर्स मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। एक साल पहले राजीव गांधी को भी क्लीन चिट दे दी गई थी। क्वात्रोक्की को देश नहीं लाया जा सका और उसका केस 2011 में बंद कर दिया गया। क्वात्रोक्की 2013 में मर गया। फरवरी 2018 में सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट के 2005 वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। इस साल 30 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। देश पर क्या असर पड़ा? आज किसी पर नहीं आई लेकिन बोफोर्स के बाद अगले 27 साल तक भारत की किसी सरकार की हिम्मत नई तोप खरीदने की नहीं हुई। कारगिल की लड़ाई हमने बोफोर्स से ही लड़ी और जीती और 2012 में जाकर भारत ने अमेरिका के बीएई सिस्टम से 145 तोपें खरीदने का करार किया। एक राजनीतिक नुकसान भी हुआ, राजीव गांधी को अपना बहुमत अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, पर उसके लिए सिर्फ बोफोर्स जिम्मेदार नहीं थी। हालांकि उत्तर भारत में नारे लगे थे मिस्टर क्लीन गंदली क्यों है तोप मशीन, पर कांग्रेस की हार की वजह यूपी बिहार जैसे राज्यों में ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्रियों का फेटा जाना, अलोकप्रिय सरकार का चलना और पिछड़ी जातियों का संगठित होकर जनता दल के परचम तले आना भी था। इसके अलावा जनता दल और भाजपा के बीच एक टैक्टिक अलायंस भी था जिसने कांग्रेस को करारी हार दिलवाने में अहम रोल अदा किया था। अब बात करते हैं उस करारी हार की जिसका सपना राहुल गांधी देखते हैं, राजीव गांधी के बेटे, और इसके लिए वो सवार है रफाइल की धुन पर। उन्हें लगता है कि रफाइल बीजेपी का बोफोर्स साबित होगा। आपको क्या लगे इसके लिए जरूरी है कि मीडिया आपको बताए रफाइल से जुड़े तथ्यों के बारे में और सबके तर्कों के बारे में। पहला सवाल, ये रफाइल है क्या भला? जैसे फौज को अलग अलग तोपों की जरूरत होती है वैसे ही एयरफोर्स को भी अलग अलग तरह के फाइटर जेट की जरूरत पड़ती है। भारत की जरूरत है कि वो दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने लायक फाइटर जेट अपने पास रखे। इसके लिए हमें 42 से 45 स्क्वाड्रन चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू जहाज होते हैं। अगर भारत एक भी नया जेट न ले आज की तारीख तक तो 2020 तक वायुसेना के पास सिर्फ 23 स्क्वाड्रन बचेंगे, माने जरूरत से आधे। तो वायुसेना ने सरकार से लगातार कहा है कि नया जेट खरीदने के लिए ठेका निकालिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इसकी कागजी कार्रवाई शुरू हुई और मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने ऐलान किया कि हम 1,28,000 करोड़ में 126 फाइटर जेट खरीदेंगे। इसके लिए वायुसेना ने दो जेट पसंद किए थे, एक यूरो फाइटर टाइफून और दूसरा दासों का रफाइल। तो रफाइल एक फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान। अगला बिंदु की डील कैसे हुई दासों से। सरकार ने दासों से बात शुरू की मनमोहन सिंह की। ये वही कंपनी थी जिसने भारत को 80 के दशक में मिराज 2000 बेचा था, लेकिन कभी इसका ठेका नहीं हुआ क्योंकि दासों भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ बनाए जाने वाले रफाइल की गारंटी नहीं लेना चाहता था। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के मामले में जब गांधी परिवार का नाम आया तो यूपीए 2 यानी मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में रक्षा सौदों को लेकर सरकार डर गई और उसने दासों से डील पर आगे बात ही नहीं की।
नरेंद्र मोदी के आने के बाद दासों से बात चलती रही। मोदी अप्रैल 2015 में फ्रांस गए और अचानक ऐलान कर दिया कि भारत 36 रफाल खरीदेगा, लेकिन दासों से नहीं, फ्रांस की सरकार को बिचौलिया बनाकर, यानी ये सरकार और सरकार के बीच की डील होगी और यही बात अब फसाद की जड़ बन रही है। इन सब में हम जब बोफोर्स से तुलना कर रहे हैं तो बात होती कि ठीक है रफाल खरीदे, पर घोटाले की बात कहां से आई? कांग्रेस का इल्जाम है कि मोदी जी का जेट तो है वही, लेकिन लगभग 40% महंगा है। मोदी सरकार की डील में दासों को भारत से मिलने वाले तकरीबन 60,000 करोड़ का आधा हिंदुस्तान में लगना था किसी हिंदुस्तानी कंपनी को पार्टनर बनाकर। और यहां से दूसरा इल्जाम निकलता है कि दासों ने हिंदुस्तान में निवेश के लिए अनिल अंबानी की रिलायंस के साथ मिलकर दासों रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड बनाई है। कांग्रेस का इल्जाम है कि डील का संबंध रफाल सौदे से है और ऐसा अनिल अंबानी और पीएम मोदी के बीच दोस्ती के चलते हुआ, और इसके चलते नुकसान हुआ एचएएल को क्योंकि उसे मिलने वाली तकनीक अब नहीं मिल पाएगी। इन इल्जामों पर मोदी सरकार ने क्या किया? सरकार अब तक इसे घोटाला मानने से इनकार करती आई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली यहां तक कह चुके हैं कि यूपीए जिस कीमत पर रफाल ले रही थी उसमें सिर्फ जेट आता, भारत को हथियार और दूसरे सिस्टम अलग से खरीदने पड़ते। मोदी सरकार ने सारे साजो सामान के साथ जेट खरीदा है। समय के साथ चीजों की कीमत बढ़ती है, इस हिसाब से मोदी सरकार का खरीदा रफाल 9% सस्ता पड़ा है। एक रफाल की कीमत तुम क्या जानो बाबू। नवंबर 2016 में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे लोकसभा को बता चुके हैं कि एक जेट की कीमत 670 करोड़ अदा की गई है। साजो सामान की कैटेगरी के हिसाब से कीमत मीडिया में जारी हुई, लेकिन आइटम दर आइटम कीमत की जानकारी पब्लिक नहीं की गई है। जानकारी अगर किसी के पास है तो वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग और संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि पीएसी। अब अगली बात कि जो कांग्रेस कह रही है कि जेपीसी जांच करवाइए, उससे मिलेगा क्या? जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद बैठते हैं, सरकार के भी और विपक्ष के भी। ये किसी मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करती है और सरकार को पॉलिसी के लेवल पर सुझाव भी देती है। लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट सरकार माने ये उसके लिए जरूरी नहीं, बाध्य नहीं। राजीव गांधी ने 1987 में बोफोर्स घोटाले पर जेपीसी बनाई थी। 1988 में इसकी रिपोर्ट आई जिसमें बोफोर्स डील को बिल्कुल सही बताया गया था, लेकिन बाद में अदालतों में मामला चला क्योंकि सरकार बदल गई थी। अब सवाल उठता है कि रफाल और बोफोर्स की तुलना कितनी सही है? ये एक पेचीदा सवाल है और इसके लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। There's no comparing the Bofors scandal of the 1980s with the Rafale defense deal of 2016, and I'll tell you why. In the Bofors scandal, there have been clear evidence to show that 46 crore of bribes had been paid to secure the 1400 crore gun contract. In the Rafale defense deal, there have been a lot of allegations, but all of these are not based on fact. The facts are this, that there is no contract between the government of India and Reliance Defense. In fact, there is no contract even with Dassault and Reliance Defense. आपने तथ्य सुने, आपने तर्क सुने, अब हमारी भी सुन लीजिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पर राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर लगता है कि भारतीय जनता के लिए कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर वो मोदी सरकार से जवाब चाहेगी। वो नोटबंदी का मुद्दा है, वो महंगाई का मुद्दा है, वो पेट्रोल डीजल के दाम का मुद्दा है, वो कई वायदों का मुद्दा है, लेकिन रफाल जनमानस को आंदोलित करे मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नहीं लगता है। पर कांग्रेस की स्ट्रेटजी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साल भर पहले तक कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा था, बात तो हो रही है और हम लगातार प्रदर्शन करके इसको मुख्य मुद्दा बना लेंगे। देखते हैं राहुल गांधी सफल होते हैं या नरेंद्र मोदी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे बिहार में ये अजीबोगरीब रेलगाड़ी क्या है और इसके नाम पर मोदी की खिल्ली क्यों उड़ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दी लल्लनटॉप शो में। अब बारी पड़ताल की। फेसबुक की पटरियों पर फेक न्यूज की रेलगाड़ी धड़ाधड़ दौड़ रही है, इसी में एक नया डिब्बा जुड़ा है। फेसबुक पर एक फोटो वायरल हो रही है, एक आधे छत वाली ट्रेन की बोगी दिख रही है इसमें।
कोई सीट नहीं है और अंदर की दीवारें भी आम ट्रेन के डिब्बों से अलग हैं। कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग बाहर ताका झांकी कर रहे हैं। साथ में एक लोक लुभावन संदेश चल रहा है। क्या लिखा है संदेश में? कि लोकल ट्रेनों में एसी की सुविधा देकर मोदी जी ने विपक्ष के मुंह पर मारा तमाचा और कहा, ये होता है विकास। यहां एसी की बात कहकर कटाक्ष किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सरकार और रेलवे ने लापरवाही की, रेलवे में अव्यवस्था है आदि आदि। लेकिन इस फोटो की सच्चाई क्या है, वो पता किया हमारे साथी ऋषभ ने। फोटो की सच्चाई जानने के लिए ऋषभ ने स्टेशन के नाम पर जूम किया। थोड़ा कम क्लियर था, पर पहला अक्षर का और आखिर में गांव दिखा। फिर ऐसे सभी स्टेशनों की लिस्ट निकाली जिसका नाम का से शुरू होकर गांव पर खत्म होता है। एक स्टेशन का नाम मिला कहलगांव। कहलगांव स्टेशन का सीन इस तस्वीर से मिल रहा था। कहलगांव बिहार के भागलपुर में है। भागलपुर के इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार राजीव सिद्धार्थ से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कहलगांव से 90 किलोमीटर दूर जमालपुर में रेलवे का बड़ा कारखाना है। ये भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना है। हो सकता है कि ये कोई क्षतिग्रस्त बोगी हो जो रिपेयर के लिए वहां गई हो और तब किसी ने इसकी फोटो ले ली हो। हमारी पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई। हमने बात की कहलगांव स्टेशन के स्टेशन सुपरिटेंडेंट समर सिंह से। उन्होंने बताया कि जमालपुर रेलवे कारखाने से रेलवे व्हीकल्स मतलब ट्रेन के पहिए लाने और ले जाने के लिए ये बोगी स्पेशली डिजाइन की गई है। ऊपर से सामान लोड हो सके इसलिए इसे ऐसा बनाया गया है। इस बोगी को जरूरत के हिसाब से किसी भी ट्रेन में जोड़ दिया जाता है। इसमें सवारियों को चढ़ाने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन कभी कभार इसमें सवारियां भी चढ़ जाती हैं। ऐसे ही कभी सवारियां चढ़ी होंगी जिसका ये फोटो है। मालगाड़ी से ऐसा करना महंगा पड़ सकता है, इसलिए इस बोगी से रेलवे अपना काम चलाता है। हमारी पड़ताल में पता चला कि ये कोई लापरवाही या करप्शन नहीं, भारतीय प्रतिभा का चरम है। ये जुगाड़ है जिसमें हम भारतीय दक्ष होते हैं। ये कोई टूटी या उखड़ी छत की ट्रेन नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही बनाई गई है। अगर आपके पास भी कोई विचित्र फोटो, वीडियो या खबर हो और जिसकी सत्यता पर आपको संदेह हो तो पड़ताल के लिए भेजे lallantopmail@gmail.com पर। चलिए अब चलने की बारी आ गई। सोमवार को फिर मुलाकात होगी दी लल्लनटॉप शो में। लेकिन जाते जाते वो चीज तो आ जाए जिससे हमारा और आपका राब्ता सबसे पहले कायम हुआ था। किस्सेबाजी, बतौलेबाजी। आज हमारे फेवरेट एक्टर्स में से एक राजकुमार राव का जन्मदिन है। उन्हें खूब सारी लल्लनटॉप मुबारकबाद। जाते जाते उन्हीं की जबान में उनका ये चौचक किस्सा सुनिए। सेकेंड थर्ड से मैंने डांस करना शुरू कर दिया था। स्कूल के हर फंक्शन में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और पहला क्रश हो गया था क्लास फिफ्थ में। पहला क्रश फिफ्थ में हुआ था तो मुझे आई थिंक जिंदगी में आर्ट जो है वो घुस गई थी। कौन से गानों में डांस करते थे तब आप? तब तो जो मुझे एक्चुअली याद है वो मैं बाजीगर के गाने थे, ये काली काली आंखें, इन पे बहुत मैंने डांस किया है। मैंने भी ये काली काली आंखें मैंने पहला गाना डांस किया। मैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, मैं वो काली काला। एक किस्सा सुन लिया और सुनने का दिल करे तो अब आपके लिए बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। गूगल के प्ले स्टोर में जाइए अपने मोबाइल से, एंड्रॉइड से, और टाइप करिए लल्लनटॉप। हमारी ऐप वहां पर आ गई है, उसको डाउनलोड करिए और हर वक्त लल्लनटॉप से जुड़े रहिए। खबरें, वीडियो, विश्लेषण, किस्सेबाजी, सब कुछ आपके पास फौरन उपलब्ध होगा। शुक्रिया।